ऑटो अपडेट्स इस आपके चैनल में सबका स्वागत है। तो अभी हम जो इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार है ऑल्टो 800, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, उसके फीचर्स के बारे में और माइलेज इंजन के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते, फिर से आप सबका इस चैनल में स्वागत है। तो जैसे आप देख रहे कि ऑल्टो में जो है हेडलैम्प्स जो है वो हैलोजन हेडलैम्प्स आएंगे इसमें। फ्रंट ग्रिल अगर ऑल्टो का आप देखेंगे तो ये हनीकॉम ग्रिल आएगा, तो इससे जो है गाड़ी का लुक जो है और बढ़ता है गाड़ी का लुक। और यस, यहाँ पे बैजिंग आएगा, तो मारुति सुजुकी का जो ब्रांडिंग है वो ब्रांडिंग इससे हाईलाइट होता है। उसके बाद गाड़ी का जो शेप आएगा वो एरोडायनामिक शेप आएगा। यहाँ पे जो है डे टाइम रनिंग लैंप फिट करने के लिए यहाँ पे आपको प्रोविज़न दिया गया है। उसके बाद बम्पर्स जो है गाड़ी के बॉडी कलर्स बम्पर्स आएंगे इसमें, तो जो लुक है गाड़ी का और उभर के आता है। उसके बाद अगर हम टायर साइज़ देखेंगे गाड़ी के, तो टायर साइज़ जो है 145/80 रिम डायमीटर जो है वो 12 इंच का रिम डायमीटर आता है। उसके बाद व्हील्स जो है वो ट्यूबलेस टायर्स आएंगे आपको, और व्हील कवर्स आएंगे व्हील पे। और फ्रंट सस्पेंशन अगर देखेंगे तो मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन आते हैं इसमें, जो कि ओवर धाबड़ रोड पे आपको बहुत ही अच्छी तरह से शॉक ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो जो ब्रेकिंग सिस्टम इसमें आता है यहाँ से देख सकते हैं, तो डिस्क ब्रेक आएगा। फ्रंट जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो डिस्क ब्रेक में आएगा। उसके बाद गाड़ी के जो मिरर्स है वो ब्लैक कलर में अवेलेबल होंगे और मैनुअल फोल्डेबल रहेगा। उसके बाद डोर पे अगर आप देखेंगे तो साइड मोल्डिंग गाड़ी को इनबिल्ट ही आता है, ये VXI प्लस वेरिएंट है अल्टो का। डोर हैंडल्स जो है वो आपको बॉडी कलर में आएगी। उसके बाद हम थोड़ा अंदर के जानकारी लेंगे, जैसे इंटीरियर जो है इसमें आपको ब्लैक और बेज कलर का इंटीरियर कंपनी ने दिया है। उसके बाद स्टेयरिंग कॉलम जो है, इसमें जो स्टेयरिंग आएगा वो 3-स्पोक स्टेयरिंग आता है, तो लुक वगैरह अच्छा दिखता है इसमें। इसके बाद आपको जो राइट साइड पे है यहाँ पे हेडलाइट लेवलर दिया है सेफ्टी के लिए, एड ऑन सेफ्टी फीचर्स है। उसके बाद इसमें जो मिरर है वो मैन्युअली एडजस्टेबल मिरर्स आते हैं यहाँ से, अंदर जॉयस्टिक दिया है। और आप फ्रंट का अगर डिस्प्ले देखेंगे तो इसमें अम्बर कलर दिया हुआ है। उसके बाद डिजिटल डिस्प्ले में आपको फ्यूल इंडिकेशन आता है, ट्रिप ट्रिप मीटर आएगा और ओडोमीटर आएगा, टोटल किलोमीटर। स्पीडोमीटर एनालॉग टाइप में दिया है। और उसके बाद यहाँ पे जो आप इंडिकेशंस देख रहे हैं जैसे हैंड ब्रेक, इंजन ऑयल वगैरह, तो जब गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी तो वो सब इंडिकेशंस निकल जाएंगे। तो ये जो ECM है वो इंडिकेशन आपको देता है। और अल्टो 800 VXI प्लस मॉडल में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो टच स्क्रीन मिलेगा, मुझे सब कुछ मिलेगा। एक बार धानोरी में 17.78 सेंटीमीटर टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आता है। स्मार्ट इन्फोटेनमेंट सिस्टम, इसमें आपको AM है, FM आएगा, ऑक्स, अनलिमिटेड सरप्राइजेस, स्टोरीज लेकर आए हैं। इस म्यूजिक सिस्टम में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आएगा। इस प्रकार से आप एट अ टाइम 3 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, एक म्यूजिक सिस्टम के लिए, दूसरा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए, और तीसरा जो सुजुकी रिमोट करके एक ऐप आता है वो यूज़ कर सकते हैं आप इसमें। उसके बाद मीडिया यहाँ पे रहेगा, उसमें AM है, FM,
ब्लूटूथ से म्यूजिक आपका मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं, USB और ऑक्स आएगा इसमें। उसके बाद एक कनेक्ट आइकन पे अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका स्मार्टफोन यहाँ पे ऑटो एंड्रॉयड थ्रू आप लिंक कर सकते हैं, जिससे आपके फ़ोन के स्क्रीन जो है वो सामने आपको दिख के आएगी। जो आपका स्मार्टफोन है वो आप सामने यूज कर सकते हैं, उसमें आप मैप देख सकते हैं या आपका व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, जो आपके टेक्स्ट मैसेज आ रहे वहाँ आप सामने पढ़ सकते हैं। उसके बाद सामने आपको कैलेंडर दिया है, उसके बाद डिजिटल क्लॉक है, ऊपर अगर देखेंगे तो आपको डिजिटल क्लॉक आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद फिदर टच म्यूज़िक सिस्टम दिया है, एफर्टलेस म्यूज़िक सिस्टम है, ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं। उसके बाद गाड़ी में आपको फ्रंट टू स्पीकर दिए, और अगर आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं मोबाइल की तो अगर ऊपर देखेंगे तो ऊपर यहाँ पे ये माइक दिया हुआ है, जहाँ से आप बात कर सकते हैं। उसके बाद गाड़ी में आपको ड्यूल सनवाइज़र दिए है ऊपर, ये देखे यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में एक और दूसरा राइट साइड में। उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एसी वेंट है, जिसमें आपको इल्यूमिनेशन दिया हुआ है, और सबसे नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट एक्सेसरी सॉकेट मोबाइल होल्डर दिया है, उसके बाद USB और ऑक्स कनेक्टर दिया है यहाँ पे। और जो गाड़ी में आपको फ्रंट पावर विंडोज़ आने वाली है, ये सेंट्रल कंसोल में पावर विंडोज़ दिया है, जहाँ से आपको आसानी से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर सीट देखेंगे तो कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट दिया है, और हेडरेस्ट जो है वो इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया है गाड़ी में ही, सीट में ही इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया है इसमें। उसके बाद अगर की देखेंगे कार की तो इसमें आपको सिंगल की सेंट्रल लॉक आता है, ये देखें इस प्रकार से लॉक अनलॉक कर सकते हैं, और दूसरी की जो है वो नॉर्मल की दी जाती है इसमें, दूसरी की ऐसे आपको नॉर्मल आएगी, और जो सेंट्रल लॉक की आती है उसमें आपको बजर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से अल्टो 800 VXi प्लस में आपको ये सारे फीचर्स आते हैं इसमें। म्यूज़िक सिस्टम को ऐसे आप स्टैंड बाय मोड पे डाल सकते हैं, जिसके वजह से आपकी बैटरी ड्रेन नहीं होगी, बैटरी यूज नहीं होगी। उसके बाद कार का अगर व्हील बेस देखेंगे आप तो कार का व्हील बेस जो है 2360 mm में आपको कार का व्हील बेस आएगा है। तो कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट आती है अल्टो में। उसके बाद इसका टर्निंग रेडियस जो है वो 4.6 mm का टर्निंग रेडियस आएगा इसमें आपको, तो आप सिटी यूज़ के लिए या स्मॉल मैन्यूअर के लिए वगैरह बहुत ही बढ़िया कार है अल्टो। अभी थोड़ा पीछे के सीट का अरेंजमेंट भी देख लेंगे। अगर पीछे का विंडोज़ अगर देखेंगे तो ये मैन्युअली एडजस्टेबल आता है, ऐसे आप ऊपर यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे। फ्रंट जो है वो पावर विंडोज़ आएगी, रियर का जो रहेगा वो हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा। और रियर सीट अगर देखेंगे तो रियर सीट में आपको हेडरेस्ट जो है वो पिलो टाइप के हेडरेस्ट आएगी इसमें आपको। और अगर अल्टो का आप बूट स्पेस देखेंगे तो सफिशिएंट बूट स्पेस आएगा आपका इसमें। और ये जो पार्सल ट्रे है ये आप निकाल के भी रख सकते हैं, पार्सल ट्रे पूरा निकल सकता है,
ये पार्शल ट्रैप निकल के रख सकते हैं। उसके बाद अगर रियर टेल लैम्प्स देखेंगे आप तो ये कॉम्बिनेशन टेल लैम्प्स आएंगे इसमें, और पीछे अगर देखेंगे तो सेफ्टी के लिए इसमें आपको रिवर्स सेंसर आएंगे। इस प्रकार से दो सेंसर्स आते हैं इसमें। उसके बाद थोड़ा हम सेफ्टी के बारे में और इंजन के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। अल्ट्रेट अल्टरनेट में देखेंगे तो आप 10+ सेफ्टी फीचर्स आते हैं इसमें। ये देखिए SRS एयरबैग, डुअल एयरबैग आएंगे अल्टो VXI प्लस में। VXI में भी डुअल एयरबैग आते हैं, एक स्टेयरिंग पे आएगा और दूसरा को ड्राइवर साइड पे आएगा। उसके बाद इसमें डोर में आपको साइड इम्पैक्ट बीम्स आएंगे, रिवर्स सेंसर, दोनों सीट बेल्ट रिमाइंडर्स इसमें आपको आएंगे, स्पीड अलर्ट आता है। उसके बाद थोड़ा स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी लेंगे। तो अल्टो का जो हाइट आएगा आपको वो 1490 mm में इसका विड्थ आएगा आपको, हाइट जो है 1475 mm में इसका हाइट आएगा। तो 6 feet पर्सन बेस में ईजीली एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद व्हील बेस तो जैसे मैंने बताया 1360 mm का व्हील बेस गाड़ी में आएगा, तो कंफर्टेबल आपको इसमें 5 जन आराम से बैठ सकते हैं। अब ये अल्टो का ये जो इंजन है, ये मारुति का जो टेक्नोलॉजी आता है इसमें आपको इंजन का नाम दिया है FHD। ये 800 cc में, मतलब 796 cc में ये इंजन आपको अवेलेबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये इसमें आपको 3-सिलेंडर इंजन आता है। तो अगर 3-सिलेंडर इंजन आता है तो इसमें वाइब्रेशन, नॉइज़ और हार्शनेस कम आता है, इसमें साइलेंट इंजन आएगा। उसके बाद इसमें आपको पर सिलेंडर 4 valves आते हैं। तो जितना ज़्यादा वॉल्स रहेगा गाड़ी में उतना ब्रीदिंग वगैरह अच्छा रहता है, गाड़ी का स्मूथनेस अच्छा रहता है। पर सिलेंडर आपको इसमें इग्निशन कॉइल जो रहता है पर सिलेंडर, अलग अलग इग्निशन कॉइल आएगा। वायरलेस इंजन आएगा इसमें, तो जितना इग्निशन कॉइल ज़्यादा रहेगा गाड़ी में उतना अच्छा रहता है। वन स्ट्रोक गाड़ी 3-4 महीने में भी स्टार्ट करते हैं तो वन स्ट्रोक चालू होता है। यहाँ पे देखिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का यूनिट आता है इसमें। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी स्मॉल कार में दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो कार की बैटरी दी है। और इसमें अगर आप पावर आउटपुट देखेंगे तो पेट्रोल इंजन में 35.3 kW पावर दिया है, वो 6000 RPM पे आपको इतना पावर जनरेट होता है। और पुलिंग पावर अगर देखेंगे आप, इसका टॉर्क जो है वो 69 Nm का टॉर्क दिया है, वो 3500 RPM में इसमें 69 का टॉर्क जनरेट होता है। तो बहुत बढ़िया टॉर्क इसमें आपको दिया है, स्मॉल कार में सबसे पावरफुल इंजन है FHD इंजन। और फ्यूल टैंक भी अगर देखेंगे तो स्मॉल कार में सबसे ज़्यादा 35 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है इसमें। इससे बड़ा किसी गाड़ी का स्मॉल कार का फ्यूल टैंक नहीं है। और इसमें आपको माइलेज जो है इसमें आपको भाई साहब 22.5 का माइलेज दिए हैं। तो पेट्रोल में इंडियाज़ बेस्ट सेलिंग कार जो है अल्टो, इसमें आपको 22.5 का माइलेज आएगा। उसके बाद ये आपको हाइब्रिड इंजन में भी अवेलेबल है। LXI में आपको CNG वेरिएंट भी आता है अल्टो का। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो स्मॉल कार में आप अल्टो देख रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग सब सेफ्टी फंक्शन इसमें आएंगे आपको, और पावरफुल इंजन आता है, और इंडियाज बेस्ट सेलिंग कार है। तो आपको इसमें पूरा पैकेज ही आता है अल्टो में, पावर, सेफ्टी और बेस्ट सेलिंग कार है। तो रिसेल वगैरह फ्यूचर में बहुत ही ज़बरदस्त आता है अल्टो में। तो ये थे अल्टो के अपडेट। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।
फिर से मिलेंगे हम एक नए वीडियो में। धन्यवाद।